एक बार फिर आपका स्वागत है पत्रिका छत्तीसगढ़ में। मैं योगेश मिश्रा, मेरे साथ है शिव शर्मा जी और चंद्रकमल सिंघानिया हमारे साथ बने हुए हैं। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्रों के उन मुख्य पॉइंट्स पर जिसमें उन्होंने लोगों से जनता से वादा किया। मैं डायरेक्ट आऊंगा आपके पास चंद्रकमल सिंघानिया, आप हमारे गेस्ट हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या अपीलिंग लगा, कांग्रेस का कर्ज माफी या फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो महिलाओं के लिए जो एक फाइनेंशियल मदद वाला रखा, महतारी योजना या महिला सशक्तिकरण योजना, ये कुछ कारगर रहा दोनों के लिए, क्या फायदेमंद रहा या जनता ने किसे स्वीकारा किसे नकारा? बीजेपी का जो आखिरी महिला सशक्तिकरण योजना थी उसको बहुत हाथों हाथ दिया गया, क्योंकि जिस लेवल पे उसने बोला, तो मोदी गारंटी है कि हर आदमी डायरेक्ट ट्रांसफर होगा बेनिफिट जो है, तो सीधा किसी के मिडिल मैन है नहीं, पैसा पहुंच जाएगा उन्हें पास। दूसरा, महिलाओं को किसी समय हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, 1000 रुपये महीना बहुत बड़ी रकम होती है, हर छोटी मोटी जरूरत के लिए पति के सामने हाथ फैलाओ। जिस तरह छत्तीसगढ़ में दारू का था, पति रावत दारू पी गए मार रहे, पहले उसको देना नहीं, इसका बहुत फर्क पड़ा, 1000 रुपये का बहुत फर्क पड़ा। और दूसरा, मुझे नहीं लगता बीजेपी ने कर्ज माफी बोला, कर्ज माफी होना नीचे मैं कहता हूँ, बीजेपी ने कर्ज माफी नहीं कहा, कर्ज माफी की जगह मैं इतना ज्यादा आपको वो बना दू सक्षम की आपको कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े, आपके प्रोडक्ट का वो वैल्यू मिले कि कर्ज की जरूरत ही ना पड़े, मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लगा अप्रोच। शिव शर्मा जी, आपका क्या विचार है कि इसमें कौन सा फैक्टर क्रूशियल रहा भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए कि कांग्रेस का कर्ज माफी वाला पोल प्लान फुस हो गया या फिर महिलाओं के लिए जो दोनों ने घोषणा की वो क्लिक कर गया, क्या क्लिक कर गया? देखिए क्या है, कर्ज माफी का तो मैं बोल रहा हूँ कि चुनावी साल था ना जी, किसानों को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन वो ये मान के चल रहे थे यदि कांग्रेस आएगी तो कर्ज माफी करेगी करेगी। तो कई किसानों ने, मतलब आपने पूरे स्टेट के यदि आंकड़े उठाए ना, तो कई किसानों ने कर्ज जानबूझ के लिया था कि उनको कर्ज माफी की पूरी उम्मीद थी। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी किसान के फीलिंग को हर्ट करने का, मगर कुछ कड़वी सच्चाइयां जो सामने आ रही हैं और वो आती रहेंगी जी। नहीं, किसान भी समाज का पार्ट है, समाज में जो चर्चा चलती है उसके हिसाब से आदमी अपनी मतलब प्लानिंग तय करता है, तो उन्होंने सब लिया था, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और सबने देखा है कि जो एक केजरीवाल मॉडल है कि सबको फ्रीबीज सब कुछ मुफ्त दे दो, वो छत्तीसगढ़ में ही भयंकर पॉपुलर हो गया। इस बार सबको उम्मीद लग रही थी कि कौन क्या देगा, बिल्कुल तराजू में नाप रहे थे किसने क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाओं को 12,000 देने वाली बात है साल में, मतलब हर महीने 1,000 देने वाली, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया तो शुरुआत में उसमें इसकी कोई जलह नहीं थी। 5-7 दिन बाद हुए जो पहले चरण की वोटिंग हो गई, उसके कुछ दिन बाद कांग्रेस को ऐसा लगा कि हमसे गलती हो गई है, तो दिवाली के दिन उन्होंने ये घोषणा की कि हम 15,000 रुपये साल के देंगे। लेकिन चूंकि पूरा स्टेट जो है फेस्टिव मोड में था, तो ये शायद अपनी बात वहां तक पहुंचा नहीं पाए, 13-14 तारीख को अखबार भी नहीं आए। इस बीच क्या है, बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पे ये काम कर दिया अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए, उनने फॉर्म भरवाना शुरू कर दिए, प्लस कॉल सेंटर से फोन पहुंचने लगे कि भैया आपने फॉर्म भर दिया क्या, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपको पैसा मिल जाएगा, अगले महीने पैसा मिलना शुरू। हाँ, और साथ में ये हो गया कि मोदी की गारंटी, हर बात हर गारंटी पूरी करने की गारंटी, तो ये दोनों जोड़ के बहुत ही मतलब उनके मन में ये हो गया कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। और कांग्रेस थोड़ा सा लेट हो गई ऐसा लगता है, बॉल थोड़ा रिवर्सिंग होकर चली गई। तो ओवरऑल अगर घोषणा पत्र की बात करें चंद्रकांत सिंघानिया, तो आपको क्या लगता है कि घोषणा पत्र में बीजेपी ने वाकई बाजी मार ली इस बार कांग्रेस के कंपेरिजन में, और इसी पर आप घोषणा पत्र बाजी नहीं मारी, क्योंकि तो सबको दिखा रही सिर्फ कॉपी है कि दूसरे होड़ थी कुछ आगे निकल जाए। बिल्कुल। लेकिन जो उसने बाजी मारी है, तो मोदी का स्वयं बोलना कि 1000 रुपये कोई और बोलता तो वो असर नहीं होता, या मोदी की गारंटी, मोदी की क्रेडिबिलिटी हो चुकी भारत में, तो जो बात बोला डिलीवर होगा, लोगों ने पिछले 10 साल में देख लिया, वो बातें पासअप कर दिया। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। शिव शर्मा, जल्दी से बताइए कि घोषणा पत्र में बहुत बड़ा रोल निभाया या बीजेपी ने वाकई कमाल कर दिया? नहीं देखिए, एंटी इनकम्बेंसी मुझे लग रही है, और खासतौर पर कि जैसा सिंघानिया जी ने अभी बताया कि गांव-गांव में एक अंडरकरंट था सरकार के अगेंस्ट, बीजेपी के पक्ष में, है वो बहुत ज्यादा काम आया, जबकि घोषणा पत्र तो एक तरह से कांग्रेस का ज्यादा भारी था, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में बिजली का जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर था, जो कि हर घर में बिजली मीटर है, पूरे प्रदेश के हर घर में बिजली मीटर है, उसमें 200 यूनिट जो फ्री मिलनी थी वो केवल कांग्रेस दे रही थी,
लेकिन जो ये 12,000 वाली जो स्कीम है बीजेपी की, उसका प्रचार बिल्कुल आखिरी छोर तक हो गया, मतलब घर घर तक हो गया। इस वजह से कांग्रेस थोड़ा पीछे रह गई और कांग्रेस ने जब तक एक्शन लिया जब तक वो लेट हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि घोषणा पत्र दोनों का बिल्कुल बराबर था ऑलमोस्ट, लेकिन कांग्रेस थोड़ा पीछे रह गई, अपनी बात पूरी तरह नहीं पहुंचा पाई, ऐसा लगता है। इस बार फ्रीबी पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में नहीं चली, इस बात को आप गांठ बांधे। आप जनता है, छत्तीसगढ़ की जनता है, आप बाहर की भी जनता है तो देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से इतर अन्य प्रदेशों में हैं, विदेशों में, जहां से भी आप देख रहे हैं, आपको पता है कि आपको मुफ्त में कुछ भी चीज नहीं चाहिए, अपनी मेहनत के दम पर चाहिए, ये आप समझते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने भी इस चीज को नकार दिया। घोषणा पत्र आप दें, मगर घोषणा पत्र में आपको रोडमैप दिखना चाहिए। जनता वो देखना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी को उसने चुना इसलिए क्योंकि उसको कहीं क्रेडिबिलिटी नजर आई मोदी की। बड़ी बात की बीजेपी चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ी है, बीजेपी ने सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया था, कांग्रेस भूपेश बघेल के फेस पर चुनाव लड़ी और उसके बाद भी हारी। इसका मतलब है कि भूपेश बघेल को इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया।